इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, सिर्फ रेस अराउंड कंडीशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जेके फ्लिप फ्लॉप को मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ। तो जेके फ्लिप फ्लॉप को जब हम इनपुट पे 1-1 देते हैं, तो यहाँ पर जो आउटपुट है, इनपुट को 1-1 दे रहे हैं और क्लॉक को भी 1 दे रहे हैं, ठीक है। तो जो आउटपुट है वो कम्प्लीमेंट होता रहता है। तो यानी अगर प्रीवियस आउटपुट 0-1 था, तो फिर नेक्स्ट आउटपुट 1-0 होगा, उसके बाद फिर 0-1 होगा, फिर 1-0 होगा, सही है, फिर 0-1 होगा। तो ये इस तरह चलता रहेगा कंटिन्यूस, जब तक क्लॉक भी 1 है और जेके भी अगर ये 1-1 है, तो ये कंटिन्यूस ये अपडेट होता रहेगा। तो ये रेस लगी रहेगी 0-1, 1-0, 0-1, 1-0 होने की, ठीक है। तो ये जो रेस है, रेस अराउंड मतलब 0-1, 1-0, 0-1, 1-0, 0-1, तो इसको बोलते हैं रेस अराउंड कंडीशन, ठीक है। तो ये जो टोगलिंग, कंटिन्यूस टोगलिंग चलती रहती है, इसको रेस अराउंड कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। अभी किस किस फ्लिप फ्लॉप में होती है, तो जेके फ्लिप फ्लॉप में होती है और टी फ्लिप फ्लॉप में होती है, सही है। एसआर और डी फ्लिप फ्लॉप में ये कंडीशन नहीं है, ये सिर्फ जेके में और टी फ्लिप फ्लॉप में, क्योंकि टी जो वर्जन है वो जेके का है, जिसमें एक टॉगलिंग वाली स्टेट को लेते हैं और एक नो चेंज वाली को लेते हैं, है ना। तो ये जो रेस अराउंड कंडीशन, जो रेस लगी हुई है 0-1, 1-0 करने की, अब इसको समझ लेते हैं एक तरह से वेव फॉर्म से। तो सपोज करो क्लॉक जो है हमारी है 5 मिली सेकेंड की क्लॉक है, ठीक है, जो उसका हाई पीरियड है 5 मिलीसेकंड का। तो पूरा टाइम पीरियड कितना हो गया, 10 मिलीसेकंड का हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक का 10 मिलीसेकंड का हो गया, स्क्वायर वेवफॉर्म है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का है 5 मिलीसेकंड। अब एक बार अपडेट होने में, 0-1 से 1-0 होने में जो सर्किट है इंटरनली, वो लेता है 1 मिलीसेकंड, सही है। तो 0-1 के बाद 1 मिलीसेकंड लेगा, और उसके बाद 1-0 हो जाएगा, फिर 1-0 के बाद 1 मिलीसेकंड और लेगा, फिर 0-1 हो जाएगा, फिर 1 मिलीसेकंड के बाद 1-0 हो जाएगा। तो इस तरह ये इंटरनल ट्रांजिशन 1 मिलीसेकंड में हो रहा है। जो क्लॉक है हमारी वो है 5 मिलीसेकंड की, ठीक है, बाहर से तो अंदर से भी हो जाएगा, लो, ठीक है, 5 मिलीसेकंड की क्लॉक है। तो आउटपुट है हमारा क्यू, सही है। अब 0-1, 1-0 दिखा रहे हैं, तो क्यू बार भी ले लेते हैं, चलो। अब 5 मिलीसेकंड में अब कितनी बार ये अपडेट होगा, तो 5 बार अपडेट होगा, 5 मिलीसेकंड है। तो इसको मैं 5 सेक्शन में डिवाइड कर लेता हूँ, क्योंकि 1 मिलीसेकंड में एक बार ट्रांजिशन हो रहा है, सही है। तो जेके हमारे 1-1 ही हैं, सिर्फ हम क्लॉक से इसको भी कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लॉक में 5 इसको मैं इक्वली इसमें डिवाइड कर देता हूँ, कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 5 मिलीसेकंड हो गया। तो इसको मैं आगे फॉरवर्ड, ठीक है, और एक यहाँ पर, ठीक। तो क्यू पहले प्रीवियस है हमारा 0-1 जो पहले था, तो 0-1 का मतलब है ये 0 पे जाएगा, और ये वाला जो है ये हमारा हाई है, सही है। तो इसको मैं हाई लेके चल रहा हूँ, ये हाई है और ये 0 पे है, सही है। तो 1 मिलीसेकंड के बाद, तो जब ये यहाँ पर आएगा, तो 1 मिलीसेकंड मतलब पहले अपडेट होगा, तो ये हो गया हमारा 0 से 1, ठीक है, यहाँ तक 1 रहेगा, और ये हो गया हमारा, ये हाई था, ये 0 रहेगा, ठीक है, 1 मिलीसेकंड में। 1 मिलीसेकंड के हैं सब ये, तो 5 हैं, 5 मिलीसेकंड में 1 मिलीसेकंड, 1 मिलीसेकंड, 1 मिलीसेकंड, 1 और 1, कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5 ही हुए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये जब पल्स आई, तो पल्स से इसका ट्रांजिशन हुआ, तो 0-1 से ये क्या हो गया, 1-0 हो गया। अब ये यहाँ पर 1 है और यहाँ पर है 0, तो पहले क्या था, पहले था 0 और इधर था 1, तो 1-0 हो गया। दूसरे 1 मिलीसेकंड में ये 0 हो जाएगा, सही है, और ये वाला जो है ये 1 हो जाएगा। तो अब ये हो गया 0-1 क्यू और क्यू बार, ठीक है। फिर क्लॉक अभी भी हाई है, तो फिर इस तरह ये चलता रहेगा, सही है, और यहाँ पर आके अब क्लॉक लो हो गई, तो ये हाई रहेगा, ठीक है। ऐसे ही ये यहाँ पर लो हुआ, फिर हाई, फिर लो, सही है, और उसके बाद ये लो रहेगा आगे तक, क्योंकि क्लॉक यहाँ पर 0 हो गई। तो क्लॉक 0 हो गई, तो जो यहाँ पर आएगा 1-1 आता है लैच में, सही है, और 1-1 पे यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, इसके आउटपुट का जो है वो ही रह जाएगा। तो 0-0, 0-1, यहाँ पर 1-0, यहाँ पर हुआ हमारा 0-1, और यहाँ पर हमारा 1-0, तो यहाँ पर आउटपुट हमारा 1-0 ही रहा, है ना। तो ये जो ट्रांजिशन चल रहा है, तो इतनी बार, ये 5 बार, 5 मिलीसेकंड का है, और 1 मिलीसेकंड में इसका एक ट्रांजिशन कंप्लीट होता है, यानी अपडेट करता है 0-1 से 1-0, 1-0 से 0-1, 1 मिलीसेकंड लेता है। तो अब हम क्लॉक को अगर छोटा कर दें, तो एक बार ही उसमें जो टॉगलिंग होगी, सिर्फ एक बार ही होगी,
कंप्लीमेंट एक बार ही होगा। तो पहला तो रास्ता ये है कि क्लॉक को छोटा कर दो, 1 मिलीसेकंड की ही क्लॉक देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो आउटपुट आएगा वो आपका क्या आएगा, सिर्फ ये आएगा। और यहाँ से क्या हुआ, ये हमारा 0 हो गया, तो 01 का 10 हो गया, ठीक है, अगर सिर्फ 1 मिलीसेकंड की क्लॉक दे रहे हैं तो, ठीक है। तो 1 मिलीसेकंड की क्लॉक दे देते हैं तो रेस अराउंड कंडीशन को हम अवॉइड कर सकते हैं, सिर्फ एक बार ही चेंज, 01 से सिर्फ 10 ही चेंज आएगा। अगर प्रीवियस आउटपुट 01 था तो नेक्स्ट आउटपुट जो आएगा 10 आएगा, ठीक है, अगर हम क्लॉक को 1 मिलीसेकंड का कर दें। या 1 मिलीसेकंड की जगह हम इसको सीधा क्या बना रहे हैं, क्लॉक को सिर्फ ये इसकी पॉजिटिव एज पे काम करे, सही है, तो सिर्फ पॉजिटिव एज पे काम करेगा इसी एज के साथ, जो भी हमारी SR की वैल्यू है 1 तो क्यू और क्यू की बस वैल्यू अपडेट हो जाएगी इसी एज पे, ठीक है। तो इसको क्या कर दिया है, पॉजिटिव एज, तो पॉजिटिव एज पे काम कराएं या नेगेटिव एज पे काम कराएं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव एज, ये नेगेटिव एज, और जब इस पे काम करता है तो इसको बोलते हैं लेवल, लेवल सेंसिटिव, ये एज सेंसिटिव है। तो एज में भी दो तरह के हैं, नेगेटिव एज, नेगेटिव एज है जब हाई से लो की तरफ आती है तो नेगेटिव एज होती है, और जब लो से हाई की तरफ जाती है तो पॉजिटिव एज। तो ये पॉजिटिव एज है, ये नेगेटिव एज, ठीक है, क्लोज साइकिल की। तो इन दो में से किसी पे भी काम करा सकते हैं, ठीक है, रेस अराउंड कंडीशन को रिमूव करने के लिए, क्लियर है। तो क्लॉक को छोटा कर दें। दूसरा है मास्टर स्लेव का यूज करें। तो मास्टर स्लेव का यूज जो है ये पुराना है, जब ये क्लॉक एज क्लॉक आ गई पॉजिटिव या नेगेटिव तो फिर मास्टर स्लेव का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो रेस अराउंड कंडीशन को अवॉइड करने के हमारे पास दो रास्ते हैं, एक तो हम मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप यूज करें, ठीक है, और उससे भी बेटर है, मास्टर स्लेव से मच बेटर है कि हम नेगेटिव एज या पॉजिटिव एज क्लॉक का यूज करें। तो उसमें सिर्फ एक बार ही वैल्यू अपडेट होगी, अगर प्रीवियस वैल्यू 01 है तो नेक्स्ट वैल्यू 10 हो जाएगी, अगर प्रीवियस वैल्यू 10 है तो नेक्स्ट वैल्यू 01 हो जाएगी, सही है, एक बार ही चेंज होगा। तो ये है हमारी रेस अराउंड कंडीशन, और उसको कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं, उसके दो हमारे पास, एक मास्टर स्लेव और दूसरा नेगेटिव एज या पॉजिटिव एज का यूज़ करें, ठीक है। क्लॉक को उतना कर दें कि बस एक ट्रांजिशन तक ही रहे, तो नेगेटिव एज पॉजिटिव एज का मतलब वही है ना। तो नेगेटिव एज अगर पॉजिटिव एज पे काम कर रहा है तो इसको हटा देते हैं, तो सिर्फ एक बार वैल्यू अपडेट होगी, ठीक है, तो क्लॉक चाहे कितनी बड़ी दे लो कोई दिक्कत नहीं फिर, ठीक है, फिर 5 मिलीसेकंड की क्लॉक से भी काम चल जाएगा, या तो क्लॉक को छोटा कर देते, सही है, पर क्लॉक को छोटा करेंगे तो फिर उसके लिए अलग सर्किट बनाना पड़ेगा, तो फिर उसके लिए क्या करते हैं, एक अलग से सर्किट बना लेते हैं स्पेशली जेके टाइप जैसे फ्लिप फ्लॉप के लिए, तो कि एक सर्किटरी बना लेते हैं, तो उसको RC भी बोल सकते हैं, एक कैपेसिटर लगा देते हैं, एक यहाँ पर रेसिस्टर लगा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये हमने पल्स दी, तो जो आउटपुट में पल्स आती है वो आती है इस तरह की, सही है। तो पहले कैपेसिटर चार्ज होता है तो चार्ज होने में टाइम लगेगा, उसके बाद जब ये लो हो जाएगा तो फिर यहाँ से लो पल्स इस तरह का आएगा, तो ये इस पल्स पे ही काम करेगा। तो ये पॉजिटिव एज या नेगेटिव एज किस पर काम कराना है वो डिसाइड कर सकते हैं, सही है। तो यहाँ पर इसको मान लिया ये पॉजिटिव एज पर काम कर रहा है, और इसको मान लिया है इधर ये नेगेटिव एज पर काम कर रहा है, ठीक है। चलिए तो ये तो हो गया इसका बेसिक सा सर्किट, ठीक है, तो ज़्यादा अंदर उसके डिटेल में घुसने की ज़रूरत है जब हम डिज़ाइन करते हों इस चीज़ को, ठीक है। तो बस अभी इसको इतना समझ लो कि पॉजिटिव एज पे काम करा लो, और बस वो एक बार ही अपडेट करेगा, ठीक है। तो सर्किट इसमें एक तो ये है, और एक और उसमें दो तीन हमारे इस तरह सर्किट लगाते हैं और वो एक बार जनरेट करता है, ठीक है। तो RC वाला ईजी है समझने के लिए, सही है, बाकी वो सेमीकंडक्टर से भी हो जाता है, मतलब एक तरह से NAND गेट वगैरह का यूज़ करके भी वो पॉजिटिव एज या नेगेटिव एज काम करा सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको यहीं रोकते हैं।